आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक कैरेक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ, और जो कैरेक्टराइजेशन है वो है कैंडिडा की। और कैंडिडा जो कि है बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर है इस प्ले में। डैट्स वाई इस प्ले का नाम जो है वो कैंडिडा है, और ये जॉर्ज बनाट्सा की प्ले है। तो आपको पता है जॉर्ज बनाट्सा अपने आइडियाज़ के लिए इम्पॉर्टेंट, अपने आइडियाज़ के लिए फेमस है। उनकी जितनी भी प्ले होती है वो है प्ले ऑफ आइडियाज़ एंड प्ले ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको अपना सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं और उसको कैरेक्टर्स के थ्रू वो प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, और वो स्टेज को एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं टू करेक्ट द सोसाइटी। तो कैंडिडा भी इसी कैटेगरीज में आता है। तो कैंडिडा इज़ अ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ और डिस्कशन प्ले है, इन विच जॉर्ज बनाट्सा अटैक्स द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन इट्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस मायर्स। इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस मायर्स है, उस पर इन्होंने अटैक किया है। इनकी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको हाईलाइट किया है। वो मानते हैं कि मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन सेक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन। और वो कहते हैं कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि और मेल और फीमेल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस आधार पर ये इंस्टीट्यूशन टिका हुआ है, और ये एक तरह से इकोनॉमिक स्लेवरी है। और इस ड्रामा को इसलिए कहा जाता है कि सेक्स ड्रामा भी इसे कहा जाता है। तो हमारा ये पर्पस नहीं था कि हम जॉर्ज बनाट्सा के इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें। मेरा पॉइंट ये था कि हम जो कि कैंडिडा की जो कैरेक्टराइजेशन है उसको डिस्कस करें, नॉट इन डिटेल्स बट इन नटसेल। कैंडिडा इज द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर गैलरी ऑफ जॉर्ज बनाट्सा। जॉर्ज बनाट्सा के गैलरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैंडिडा। कैंडिडा द हीरोइन ऑफ द प्ले इज द वाइफ ऑफ जेम्स मोरेल। वह हीरोइन है जो कि जेम्स मोरेल की वाइफ है, और जेम्स मोरेल जो कि एक क्लर्जी है, क्लर्जी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड क्रिश्चियन सोशलिस्ट है, और वह एक क्रिश्चियन सोशलिस्ट है। आगे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा चार्जेस लगाया है कैंडिडा को लेकर। बैट्रिस वेब रिगार्डेड कैंडिडा एज ए वुमेन ऑफ बैड कैरेक्टर। बैट्रिस वेब जो हैं वो कैंडिडा को कहते हैं कि कैंडिडा इज अ वुमेन ऑफ बैड कैरेक्टर। और आगे वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम सी इज अ सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट, और वो यहां तक कह देते हैं कि सी इज अ सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट वह हु रिगार्ड्स हर हस्बैंड मोरेल एंड हर लवर मार्च बैंड एज हर कस्टमर्स। और ये कहते हैं कि वो जो लेडी है वो बहुत ही कनिंग है, क्योंकि वो अपने लवर और अपने हस्बैंड को एज ए कस्टमर डील करती है। ये कहाँ तक सही है, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज राइट टू से दैट कैंडिडा इज अ सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट। वी डोंट फॉलो बैट्रिस वेब दैट कैंडिडा इज अ सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट, दो सी मे बी अ बैड कैरेक्टर एंड इमोरल ओनली इन द कन्वेंशनल सेंस। हम मान सकते हैं कि वो बैड कैरेक्टर की हो सकती है, इमोरल हो सकती है, लेकिन सिर्फ कन्वेंशनल सेंस में कह सकते हैं, लेकिन आज मॉडर्न सेंस में ऐसी बात नहीं। बट एज फार एज हर एटीट्यूड इज कंसर्न सी डज नॉट सीम टू डू एनी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द प्ले। जहां तक कैंडिडा के एटीट्यूड्स का सवाल है, वो कहीं भी किसी जगह पूरे प्ले में ऐसा नहीं दिखिए कि वो गलत कर रही है किसी भी कैरेक्टर के साथ। फॉर एग्जाम्पल सी सिंपथाइजेस विथ यूजेन हर लवर
हु वॉज नॉट लव्ड बाई हिज पेरेंट्स सी प्रोवाइड्स यूजेंस विथ मदर अफेक्शन। कैंडिडा यहाँ पे सिंपथाइज करती है किसके साथ, मार्च बैंक यानी यूजेन हर लवर के साथ, और वो इसलिए सिंपथाइज करती है क्योंकि यूजेन जो है वो एक लड़का है 18 इयर्स का है और उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए वो सिंपथाइज करती है, वो मदर अफेक्शन देती है, अफेक्शन ऑफ मदर उसके साथ पेश करती दिखाती है। वी ऑब्जर्व अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन हर कैरेक्टर, सी इज इंटेलिजेंट एनफ टू टॉक फ्रेंकली एंड टू आस्क फेयरली, वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही बोल्ड है। उस कैंडिडा का मतलब ही होता है कैंडिड से बना, जिसका मतलब ही होता है फ्रैंक एंड बोल्ड, तो उसका कैरेक्टर भी और उसका जो टेम्परामेंट भी है वो बहुत ही फ्रैंक है और बहुत ही फेयरली है। वी डोंट ऑब्जर्व एनी सेंस ऑफ गिल्ट इन हर कैरेक्टर, किसी तरह का गिल्ट तो हम नहीं देखते हैं पूरे कैरेक्टर में और पूरे प्ले में। एंड इन द प्ले सी डज नॉट सीम टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विथ एनी वन एक्सेप्ट हर हस्बैंड, ऐसा भी तो नहीं है कि उसका इलिसिट रिलेशंस है किसी के साथ, सेक्सुअल रिलेशंस बनाती किसी के साथ, बट अपने हस्बैंड के साथ वो ये रिलेशंस बनाती है, बाकी किसी के साथ नहीं। Thus she is undoubtedly a chaste and pure woman, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्योर लेडी है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैंडिडा प्लेज द रोल ऑफ द वर्जिन मदर, शुरू से ही कैंडिडा जो है एक रोल करती है, एक वर्जिन मदर की तरह रोल करती है, वर्जिन मदर की रोल करती है। सी रिगार्ड्स बोथ जेम्स एंड मार्च बैंक हर लवर और हर हस्बैंड एज हर चिल्ड्रन, वो अपने हस्बैंड और अपने लवर को एक बच्चे की तरह डील करती है, अपने बच्चे की तरह डील करती है और उसका टेक केयर करती है। जेम्स मॉरेल सेज व्हाट आई एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जेम्स मॉरेल का, आपको एक्सप्लेनेशन भी इसका पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से सुने। जेम्स मॉरेल कहता है कि व्हाट आई एम, You have made me with the labor of your hand and the love of your heart. मैं जो भी हूँ वो तुमने मुझे बनाया, तुमने मुझे प्यार दिया। You are my wife, my mother, my sister. You are the sum of all loving care to me. ये जेम्स मॉरेल का स्टेटमेंट है कैंडिडा के लिए। To call Candida a sentimental prostitute is to ignore her intellectual side. कैंडिडा को सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट्स कहना उसके इंटेलेक्चुअल साइड्स को इग्नोर करना है, ऐसा लगता है बैट्रिस वेब ने उसके इंटेलेक्चुअल साइड को देखा ही नहीं, उसको एनालाइज ही नहीं किया, और उन्होंने लगता है कि पर्सनल ग्रोथ की वजह से ये जॉर्ज बनाट्सा की कैरेक्टराइजेशंस पे उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट किया। वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट सी पोसेसेस अ पेनिट्रेटिंग इंटेलेक्ट, हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो कितनी इंटेलिजेंट होती हैं और कितनी स्मार्ट होती हैं। कैंडिडा इज नॉट अ सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट बट हर आउटलुक इज डैट ऑफ द वर्जिन मदर, वो सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट नहीं है, उनकी जो आउटलुक है वो तो वर्जिन मदर की तरह है। सी मदर्स मोरल एंड यूजन, दोनों को मदर की तरह टेक केयर करती हैं। हर लव एंड अफेक्शन डज नॉट रीच द क्लाइमेक्स ऑफ सेक्स, उसकी जो लव है उसकी जो अफेक्शन है कभी भी क्लाइमेक्स ऑफ सेक्स पे नहीं पहुंचे। सी इज परफेक्ट वुमेन हु बिलोंग्स नीदर टू यूजन नॉर मोरल बट सी इज इंडिपेंडेंट, वह इंडिपेंडेंट है, ना तो वो यूजन से बिलोंग करती है ना तो वो मोरल से बिलोंग करती है, बल्कि वह खुद में इंडिपेंडेंट है। She belongs to herself. She reveals her own ideology, which is not criticized by any character of the play. वो अपनी आइडियोलॉजी को बताती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, और उसके आइडियोलॉजी का कहीं पे क्रिटिसाइज नहीं होता है, कोई भी कैरेक्टर ऑफ द प्ले नहीं करता है इसका कैरेक्टराइजेशन का क्रिटिसिज्म। Indeed, she attracts both Morel and Eugene. वो दोनों को अट्रैक्ट करती है, Eugene and
मोरल को, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरह से, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरह से वो अट्रैक्ट करती है, बट इट इज हर इंटलेक्ट विच गवर्न्स बोथ ऑफ देम। लेकिन ये उसका इंटलेक्ट था जिसने दोनों कैरेक्टर को गवर्न करती है। सी डज नॉट एक्सप्लाइट द सेंटिमेंट्स ऑफ यूजेन और ऑफ मोरल, वो किसी के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लाइट नहीं करती है, चाहे वो उसके हस्बैंड मोरल की बात हो, चाहे उसके लवर यूजेन की बात हो, बट सी ब्रेक्स देयर इल्यूजन्स इन द एंड ऑफ द प्ले। लेकिन लास्ट में वह दोनों का जो इल्यूजन होता है, जो भ्रम होता है कैंडिडा को लेकर, वो लास्ट में तोड़ती है। सो सी इज़ वेरी स्मार्ट, सी इज़ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आई होप कि आपको ये जो लिटिल बिट जो डिटेल्स है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडाज कैरेक्टराइजेशंस आपको समझ में आ चुकी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझें, और जो डिस्क्रिप्शंस में इसका डिटेल्स दिया हुआ है उसको भी आप देखें, ताकि आप की एग्जामिनेशन में अगर कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैंडिडा पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आप प्ले को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।